नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं और रहस्य के बारे में बताएंगे जिन्हें आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाए हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर वीडियो पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर वन, दुनिया का सबसे शातिर चोर। दोस्तों, अमेरिका के डीबी कूपर को दुनिया का अब तक का सबसे शातिर और रहस्यमय चोर माना जाता है, जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। 24 नवम्बर 1971 को डीबी कूपर ने बोइंग 727 प्लेन को हाईजैक कर लिया था। $2,00,000 और 4 पैराशूट की मांग की थी और मांगे पूरी हो जाने के बाद वह पैसों के साथ प्लेन से कूद गया था। दोस्तों, प्लेन से कूद जाने के बाद डीबी कूपर को ढूंढने के लिए बहुत से खोज अभियान चलाए गए और ये अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबे समय तक चलने वाला केस था, लेकिन इस शातिर चोर का कभी पता नहीं चल पाया। नंबर टू, रहस्यमय सैटेलाइट। दोस्तों, 1954 में अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के द्वारा आसमान में दो सैटेलाइट देखे गए थे जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समय इंसानों के पास सैटेलाइट बनाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उस समय सैटेलाइट का आविष्कार भी नहीं हुआ था और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने इन सैटेलाइट की तस्वीर भी जारी की थी और इन्हें ब्लैक नाइट सैटेलाइट नाम दिया गया था। कुछ लोगों ने इसे एलियन का यूएफओ बताया तो कुछ का मानना था इसे एलियन द्वारा बनाए गए सैटेलाइट हैं जो 13,000 सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यह असल में क्या था इसका आज तक पता नहीं चल पाया। नंबर थ्री, इस नदी का पानी कहाँ जाता है। दोस्तों, मिनीसोटा के जजस सी आर मैग्नी स्टेट पार्क में डेविल केटल नाम का एक गड्ढा है जो पत्थरों के बीच मौजूद है और नदी का आधा पानी इस गड्ढे में जाता है, लेकिन रहस्यमय बात यह है कि इस गड्ढे में जाने वाला पानी कहाँ निकलता है इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। लोगों द्वारा इस गड्ढे में डाई, पिंग पोंग बॉल्स और GPS ट्रेकर जैसी बहुत सी चीजें फेंकी गई हैं, लेकिन ये चीजें कभी भी मिल नहीं पाई। शोधकर्ताओं के लिए आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर फोर, इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। दोस्तों, सन 1900 पहले तक माना जाता था कि सभी इंसानों का खून एक जैसा ही होता है, लेकिन 1900 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा इंसानों में ब्लड ग्रुप को पहली बार खोजा गया। लेकिन सभी इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से शोध किए गए और अलग अलग तर्क दिए गए, लेकिन आज तक साफ पता नहीं चल पाया कि इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। नंबर फाइव, 6 इंच कंकाल का रहस्य। दोस्तों, 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच का एक कंकाल मिला था जिसके मजबूत दांत और बड़ी खोपड़ी थी और इसे 1970 के करीब का माना गया। पहले तो इतने छोटे आकार के कंकाल को देखकर इसे किसी एलियन का कंकाल बताया गया, लेकिन बहुत सालों तक चले शोध के बाद बताया गया कि यह किसी इंसानी महिला का कंकाल है जिसे बोनेपन की बीमारी होगी और उसकी मौत 6 या 8 साल की उम्र में हो गई होगी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी शरीर में 12 पसलियों के सेट होते हैं, लेकिन इसके शरीर में सिर्फ 10 पसलियों के सेट ही थे और इसे कौन सी बीमारी थी जिस कारण इसका शरीर का आकार इतना छोटा था इसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं दे पाए हैं। नंबर सिक्स, नाजका लाइंस। दोस्तों, रहस्यमय विशाल रेखाएं। नाजका लाइंस पेरू के नाजका रेगिस्तान में फैली हुई बहुत बड़ी आकृतियां हैं। नाजका लाइंस को 1920 के समय में खोजा गया था और माना जाता है कि ये आकृतियां 2000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। नाजका लाइंस रेगिस्तान में 190 वर्ग मील यानी 500 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है और नाजका लाइंस की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इन आकृतियों का आकार है, जिनमें कुछ तो इतनी बड़ी हैं कि उन्हें आसमान में जाकर ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ पर बंदर 360 फुट, मकड़ी 150 फुट, व्हेल 210 फुट, चिड़िया जैसे जीवों, फूल, पेड़ और कुछ ऐसी आकृतियां बनी है जो पृथ्वी की नहीं लगती है। रेगिस्तान के सूखे, कम हवा और मौसम में बहुत कम बदलाव के कारण ये आकृतियां आज तक सुरक्षित रह पाई है। पुरातत्वविद आज भी हैरान है कि पुराने समय में इंसानों द्वारा इतनी बड़ी आकृतियां क्यों और कैसे बनाई गई होगी। दोस्तों, इसके पीछे का कारण कुछ लोग बताते हैं कि इन्हें भगवान को खुश करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि
क्योंकि यह आसमान से साफ दिखाई देते थे, जबकि कुछ का मानना है कि इन्हें पानी की खुदाई के दौरान बनाया गया था। लेकिन इतनी बड़ी आकृतियों को पुराने समय में कैसे और किस कारण से बनाया गया होगा, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, साल 1994 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। नंबर 7, दो बहनों का पुनर्जन्म। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन विज्ञान पुनर्जन्म जैसी बातों को नहीं मानता। पर इन दो बहनों की कहानी ऐसी है जिसने वैज्ञानिकों भी हैरान कर दिया था। मई 1957 को 11 साल की जोएना पोलक और 6 साल की जैकलिन की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। दोस्तों, इसके एक साल बाद उनकी मां ने जिलियन और जेनिफर नाम की जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, और जन्म के समय से ही उनके शरीर में ऐसे दाग थे जो उनकी पिछली जन्मी बेटियों के थे। जबकि वे थोड़ी बड़ी हुई तो जिलियन ने जोएना के खिलौनों को अपना बताकर अपने पास रख लिया, और जेनिफर ने जैकलिन के खिलौनों को रख लिया। ऐसे और भी बहुत से इत्तेफाक थे जो उनकी पुरानी बहनों से मेल खाते थे। दोनों को अपने पुराने खिलौनों को पहचानना, पुरानी जगहों को बिना बताए पहचानना, कार से बचपन से ही डरना। इनकी कहानी पता चलने के बाद इस केस को अच्छे से समझने के लिए बहुत से लोग आए, पर सभी हैरान रह गए। हालांकि उम्र बढ़ने के बाद दोनों बहनों की पिछले जन्म की यादें भी कम होती चली गई। नंबर 8, एनसेफलाइटिस लेथार्जिका या स्लीपिंग सिकनेस ऐसी बीमारी थी जो इंसानों के दिमाग पर असर करती थी, और इस बीमारी की वजह से इंसान मूर्ति की तरह बन जाता था, जिसमें वह न तो कुछ बोल पाता था और न ही हिल पाता था। यह बीमारी 1915 से 1926 के बीच पूरी दुनिया भर में फैल गई थी, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि 10 लाख से ज्यादा लोग ग्रसित हुए थे, जिनमें से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी, और बचे हुए लोगों में भी ज्यादा लोग पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पाए। लेकिन इस बीमारी के फैलने का क्या कारण था, यह आज तक नहीं पता चल पाया। वैज्ञानिक द्वारा इसके फैलने का कारण पता करने के लिए बहुत सी रिसर्च की गई, लेकिन इसके फैलने का कारण कभी पता नहीं चल पाया। नंबर 9, ट्रब मोटरसाइकिल। दोस्तों, 1967 में शिकागो के एक घर में प्लम्बर को जब रिपेयरिंग के लिए बुलाया गया तो उसे दीवार के पीछे छुपी हुई एक बाइक मिली। इसके बाद छानबीन करने पर पता चला कि यह बाइक 1917 से दीवार के पीछे थी, और इसमें उस समय के हिसाब से बहुत ही उच्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जो उस समय की किसी भी बाइक में नहीं थी। यह मोटरसाइकिल अभी तक बिल्कुल नई की तरह थी और अभी भी अच्छी तरह से चल रही थी। यह इस तरह की इतिहास की इकलौती मोटरसाइकिल है और इसे ट्रब मोटरसाइकिल नाम दिया गया है। ट्रब मोटरसाइकिल में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और इसे किसने बनाया था, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन आपको बता दें, यह जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी से बताई गई है। दोस्तों, यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।